तो स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। मैं आपका स्वागत करता हूँ द्वारका सेक्टर 3 के अंदर। इस समय मैं द्वारका सेक्टर 3 के अंदर हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक बहुत ही लैविश, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी के अंदर। मैंने आपके लिए रेडी कर दिया एक नया 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। दोस्तों ये प्रॉपर्टी द्वारका से केवल 200 से 300 मीटर की दूरी पर है और मेरे काफी सारे ऐसे भाई जो कहते हैं कि भाई हमें भीड़ में फ्लैट नहीं लेना, भीड़ भड़ाके में फ्लैट नहीं लेना, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही ऑसम होने वाली है और ये ऑसम है भी। उसके पीछे कारण बताता हूँ। इस बिल्डिंग में हमने लगभग 8 फ्लैट बनाए थे 2 BHK के, जिसमें से सिर्फ एक ही फ्लैट रह गया, सैंपल रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाकर दिखाई दूँ क्योंकि आपको मेरा काम काफी पसंद आता है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपने इस 2 BHK के 60 गज के फ्लैट में, जिसमें पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है और काम बहुत ही प्रीमियम किया है। और ये फ्लैट द्वारका के नजदीक सबसे सस्ता फ्लैट आता है जो बहुत ही सस्ते रेटों में हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम आती है। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना। दोस्तों सामने देख सकते हो अब हम जा रहे हैं अपने फ्लैट की तरफ। ये रास्ता सीधा हमारे फ्लैट की तरफ जा रहा है द्वारका सेक्टर 3 के अंदर। इस समय अभी हम अपनी प्रॉपर्टी पर जा रहे थे बट रास्ते में वेगास आ गया, तो मैंने सोचा आपको वेगास भी दिखा देता हूँ। हमारी इस प्रॉपर्टी से हल्का सा, मतलब मानकर चलना 2 किलोमीटर की दूरी पर, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल है और हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर। तो मैंने सोचा आपको रास्ते में जाते हुए दिखा देता हूँ। ये मॉल भी पड़ता है हमारी इस प्रॉपर्टी के रास्ते में। काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी फैमिली के साथ सैटरडे संडे घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको वेगास मॉल भी मिल जाता है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये वेगास मॉल है और एक बार अंदर भी चलते हैं हम लोग। पीछे भाई काम करे, एक एक रैप ले ले। हम निकल चुके हैं अब वेगास मॉल से और अब सीधा हम जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। मैं आपको सबसे पहले रास्ता समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे राइट हैंड पर पड़ता है इस्कॉन टेंपल, ये हमारा इस्कॉन टेंपल राइट हैंड पर है और सीधा हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम मेन रोड की तरफ निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड पर अब आप देखेंगे आपको द्वारका सेक्टर 3 का सबसे बड़ा स्कूल दिखेगा, महर्षि विवेकानंद स्कूल। लेफ्ट हैंड पे MRV स्कूल है, ये देखिए लेफ्ट हैंड पे ये MRV स्कूल आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड पे पूरा MRV स्कूल आ गया और MRV स्कूल जैसे हम क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट आ जाएगी और रेड लाइट के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी वाला रास्ता, जहां पर हमने आपके लिए ये वाला लग्जरी और बहुत ही खूबसूरत 2 BHK का फ्लैट बनाया हुआ है। दोस्तों रास्ते आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े रास्ते, यानी इतनी छोटी छोटी सड़कें हैं। जो भी भाई द्वारका में रहना चाहता है उनके लिए तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। ये रेड लाइट आ गई, रेड लाइट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। रेड लाइट हमने क्रॉस कर ली और दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। ये रास्ता हमारी प्रॉपर्टी की तरफ ही जा रहा है, सीधा हमारी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है सीधा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ा रोड है, दोनों साइड द्वारका की काफ़ी अच्छी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है। दोनों साइड आपको सोसाइटी मिल रही है और ये रास्ता अब हमारी सोसाइटी की तरफ है। यहाँ से द्वारका सेक्टर 3 समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी का डिस्टेंस है केवल और केवल 200 से 300 मीटर, जो हमने 2 BHK आपके लिए रेडी करे। और रोड का साइज भी आप देख लो दोस्तों, लगभग 50 फुट का ये रोड है, बहुत ही चौड़ी सड़क है जो सीधा टक्कर पे हमारी प्रॉपर्टी पर जाती है। अब आप खुद आइडिया लगाओ कि कितना खुला डुल्ला एरिया है, द्वारका के नियर बाय है, नियर में मॉल भी मिल रहा है, नियर में आपको इस्कॉन टेंपल भी मिल रहा है, नियर में आपको स्कूल भी मिल रहा है बड़ा सा और पार्क तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अब हम सीधा पहुंचने वाले हैं अपने फ्लैट पर और आप रास्ता देखिए, आपको रास्ता भी अच्छा लगेगा। ये देखिए हमें चलाते दिखा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी बिल्डिंग के बाहर और अब मैं आपको दिखाता हूं अपना ये वाला लग्जरी 2 BHK फ्लैट। आइए दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के बाद एक बहुत ही लंबी चौड़ी बहुत ही बड़ी पार्किंग आपको मिलती है, दोनों साइड आपको स्पेस मिलता है अपना व्हीकल खड़े करने का, अच्छा खासा स्पेस है, लिफ्ट लगा चुका हूं, लिफ्ट का काम चल रहा है। अब चलते हैं सीधा फ्लैट के अंदर, आइए।
तो गाइस आ चुके हम अपने इस फ्लैट के अंदर और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ अपना ये वाला 2BHK का बहुत ही खूबसूरत एक प्यारा सा फ्लैट। दोस्तों ये हमारा फ्लैट है 60 गज के अंदर लिफ्ट पार्किंग के साथ द्वारका सेक्टर 3 से केवल और केवल 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक लेटेस्ट इंटीरियर के साथ बहुत ही शानदार काम कर दिया है। दोस्तों स्पेस आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पूरा 5 सीटर सोफा लगाया है, इसके अलावा यहाँ 2 पफीज और लग सकते हैं, टेबल भी मैंने आपके लिए बना दी और वॉल के ऊपर देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन हमने आपके लिए बनाया। यहाँ पर आपका टीवी पैनल आ जाएगा, यहाँ टीवी पैनल लगा सकते हैं। एक खूबसूरत चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक मंदिर का स्पेस दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने भगवान जी रख सकते हैं और ये एक छोटा सा मंदिर हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। दोस्तों ये मंदिर के साथ हमने 2BHK फ्लैट बनाया, इसके अलावा इसकी 4 सीलिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा है। दोस्तों केवल एक ही फ्लैट की अवेलेबिलिटी है, अगर आप दिल्ली के द्वारका के पास में एक 2BHK का एक आलीशान महल जैसा घर लेना चाहते हैं बहुत ही सस्ते रेटों में, तो दोस्तों कम समय है, जल्दी से आकर साइट विजिट कराकर अपना ये फ्लैट हमसे लेकर जाओ। दोस्तों खूबसूरत फ्लैट है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे फ्लैट का कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में ये हमारे फ्लैट का कॉमन वॉशरूम है जिसका स्पेस बहुत अच्छा है, काफी बड़ा वॉशरूम है। दोस्तों वॉशरूम के बाद अब जल्दी से चलते हैं हमारे फ्लैट की किचन के अंदर जो काफी खूबसूरत और काफी प्यारी है। ये मॉडलर किचन है, ग्लास का काफी खूबसूरत काम मैं आपको करा कर दे रहा हूँ, ऊपर से एक प्यारा सा छोटा सा झूमर भी आपको लगा कर दे रहे हैं और कैबिनेट्स आप देख सकते हैं अच्छे खासे कैबिनेट्स हैं और यहाँ पर आप अपना एक फ्रिज लगा सकते हैं, फ्रिज के लिए हमने सॉकेट भी आपको दे रखा है। दोस्तों जल्दी से मैं आपको इस फ्लैट का पहला बेडरूम दिखा रहा हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों ये हम अपने फर्स्ट बेडरूम में आ चुके हैं और ये बेडरूम भी बहुत ही लग्जरी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये प्रॉपर्टी मिल रही है। द्वारका सेक्टर 3 के पास ये प्रॉपर्टी है, काम आप देख सकते हो काफी खूबसूरत काम है। यहां मिल जाता है आपको एक अटैच वॉशरूम, ये देखिए दोस्तों ये वॉशरूम हो गया, यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है जहां पर आप अपना एक विंडो एसी लगा सकते हैं। अब दोस्तों चल रहे हैं हमारे फ्लैट के सेकेंड बेडरूम में, आइए। दोस्तों ये हमारा सेकेंड बेडरूम है जो काफी लाजवाब और खूबसूरत है, ये भी आपको इसी तरीके से फुल्ली फर्निश करके हम आपको दे रहे हैं। दोनों साइड आपको ग्लास का वॉक मिल जाता है, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत क्विल्टिंग का डिजाइन मिल रहा है और सामने का नया टाइप का टीवी पैनल भी मैंने आपके लिए रेडी कर दिया, ये देखिए कितना खूबसूरत टीवी पैनल है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपना एक बड़ा टीवी लगा सकते हैं और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना खास तौर पे हमने आपके लिए एक स्पेस दिया है, ये आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया जहां आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं और ऊपर आपको पूरा स्काई तक आपको वेंटिलेशन मिल रहा है। दोस्तों हमारे फ्लैट की एक और बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों हम आपको इस फ्लैट के अंदर, हमने लगभग 8 फ्लैट इस बिल्डिंग के अंदर बिल्ड किए हैं और 8 फ्लैट के अंदर हम हर किसी को रूफ राइट का अधिकार दे रहे हैं, यानी लगभग आपको एक छोटी सी छत का हिस्सा आपको भी दे रहा है, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड या थर्ड फ्लोर ले रहे हो, हर किसी व्यक्ति को राइट है छत पर जाने का। तो दोस्तों ये रूफ राइट वाला फ्लैट हो गया है, यानी आपको बहुत ही बेनिफिट है, आपको छत पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि आपका अधिकार है। तो दोस्तों इस फ्लैट को अगर बाय करना चाहते हो, पूरा विजिट करना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो फैमिली के साथ, तो जल्दी से हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी साइट विजिट बुक कराइए। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपना प्यार हमेशा गौरव होम्स पर बनाए रखना। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए फ्लैट के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।